बेस्ट मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में द्वितीय स्थान हासिल किया है संदेश डेली भुज एडिशन ने। देवियों और सज्जनों, मैं जल शक्ति मंत्रालय को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। राज्यों, पंचायतों, जिलों, स्कूलों, उद्यमों, विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों को जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसे कार्य को पुरस्कृत करना एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पुरस्कार विजेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु अनुकरणीय कार्य किए। समाचार में आगळ वात करिए, संदेश न्यूज ने भूज एडिशनल बेस्ट मीडिया अवॉर्ड थी सम्मानित कराई छे। दिल्ली में संदेश न्यूज ने बेस्ट मीडिया अवॉर्ड मळ्यो छे। जन झुंबेश लोक प्रश्नों ने वाचा आपवा मुद्दे आ अवॉर्ड आपवामां आव्यो छे। संदेश न्यूज ने भूज एडिशन द्वारा कच्छ में उभा थयेला पाणीना प्रश्नों वारंवार उठावामां आव्या हता अने तेने न्याय पण आपवा माटे सतत प्रयत्न करवामां आव्या हता, त्यारे आजे संदेश न्यूज ने आ अवॉर्ड अनायत करवामां आव्यो छे। पानी के क्षेत्र में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए आज संदेश न्यूज को बेस्ट मीडिया अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयेश ठकरार जी हैं। सर, सबसे पहले संदेश न्यूज ने कहाँ पे ये काम किया, किस तरह का काम किया उसके बारे में बताइए, फिर इस प्राइस के बारे में बताइए। संदेश भूज आवृत्ति द्वारा पाणीनी समस्या माटे लगातार जनझुंबेश शुरू करी अने कच्छनी जे जेने गणी शकाय के जड़ एज जीवन ए सूत्र छे, परंतु कच्छ माटे तो पाणी ए एमनी लाइफलाइन छे। पाणी वगर कच्छनी कल्पना ज ना थई शके। आपने सुना होगा कि पानी पर लिखा मिट जाता है, लेकिन ये भी तो सुना होगा कि पानी का लिखा कभी नहीं मिटता। हमारे पूर्वज जलदान से सदियों तक अमिट छाप छोड़ते आए हैं। आज जल संकट है, बढ़ती आबादी, अतिरिक्त दोहन और बदलते मौसम के कारण हमारे जल का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जुदी जुदी संस्थाओं, जुदा जुदा राज्यों, जुदी जुदी पंचायतों ने अने मीडिया हाउस ने आ एवॉर्ड आपवामां आवे छे। प्रथम वक्त एवुं बन्युं छे के मीडिया द्वारा जे लगातार झूंबेश छेड़वामां आवी अने एमना कारणे सरकारे पण घणा बधा निर्णयो एने अनुरूप लेवा पड्या, तो ए माटे संदेशनी भूज आवृत्તિને बेस्ट मीडियानो एवॉर्ड आपवामां आव्यो छे। तो मने लागे छे के एक मीडिया हाउस तरीके एक जे सामूहिक जवाबदारी होय छे पाणीना प्रश्नની અને જલવાયુ પરિવર્તનનો જે પ્રભાવ અત્યારે પૂરા વિશ્વ ઉપર જોવા મળી રહ્યો છે, તો એ પ્રયત્નોની આ એક સરાહના છે અને એક શ્રેષ્ઠ ઉમદા રિપોર્ટિંગ તરીકેની જે ફરજ હોય છે એ સંદેશ મીડિયા હાઉસ દ્વારા હંમેશા બજાવવામાં આવે છે। એમના કારણે આ નેશનલ વોટર એવોર્ડ રાષ્ટ્રપતિ અને કેન્દ્રીય મંત્રાલયની ઉપસ્થિતિમાં આજે દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવન ખાતે સંદેશને મળ્યો છે। તૃતીય સ્થાન હાંસલ કિયા હૈ સંદેશ ડેલી ભુજ એડિશન ને। रिपोर्टिंग के बारे में बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि संदेश न्यूज को ये पुरस्कार मिलना कितनी बड़ी उपलब्धि। ये नर्मदा एटले कच्छनी जीवादोरी अने नर्मदाना पाणी हशे तो ज वागड़थी मांडीने अबड़ासा लखपत सुधी पाणी पहोंचशे, तो हरियाळी आवशे, सुख समृद्धि आवशे अने नर्मदा हशे मां रहेवा आवशे, त्यारे ज नर्मदा थकी कच्छ उजळू बनशे। नर्मदा नथी तो कच्छमां मर्यादित स्रोत छे, पाणी छे ज नहीं ऑलमोस्ट कही शकाशे। न्यूज के उन रिपोर्टर्स को जिन्होंने पाणी के क्षेत्र में बेहतर काम किया। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। मैं तीसरे जल पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत होने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं
और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित ही उन्होंने अपने कर्म से, आचरण से और व्यवहार से भारत में जल संस्कृति को एक नई ऊर्जा और चेतना प्रदान की है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं, साथ ही मैं विजेताओं से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप सब इसी प्रकार या इससे भी आगे बढ़कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहें और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर 135 करोड़ जुटकर एकजुट होकर दुनिया को बता चुके हैं कि प्रखर नेतृत्व हो तो कैसे एक कर्तव्य अभियान बन जाता है और वो अभियान कैसे जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। हम भारतीय तो इस प्रयाण गीत के अनुगामी है कि धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सी जला जला, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, रुके न तू, झुके न तू। भाई सौराष्ट्रમાં હું જ્યારે વાંચી રહી હતી આજે જે લખાયેલું છે એમાં તો જે રીતે ઉલ્લેખ છે કે ઉપલેટામાં દર થોડા દિવસે પાણી આવે છે, ટેન્કરોથી ઘણીવાર પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે। તમે જુઓ કે આ વખતે સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના તાલુકા મથકો છે એમાં 60 ઇંચથી વધારે વરસાદ થયો છે, પણ આજે આપણે જે સંદેશમાં તમામ ગામોનું જે ચિત્રાંકન કર્યું છે એમાં હાર્ડલી એકાદ ગામને બાદ કરતા લગભગ બધે જ 3-4 દિવસે પાણી મળે છે, અમુક ગામોમાં તો એક એક અઠવાડિયે પાણી મળે છે। આ એવા ગામો છે કે જ્યાં 70 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે અને છતાં 7 દિવસે ત્યાં પાણી મળે છે। તો મને લાગે છે કે આટલા આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી આપણે જળ સંગ્રહ અને જળ વિતરણ આ બંને મોરચે સંપૂર્ણપણે સફળ થઈ શક્યા નથી। સૌરાષ્ટ્રના ગામો માટે કરોડો રૂપિયાની યોજના બની છે। તમે કલ્પસર યોજના બની ત્યારે એમનું કદ 54,000 કરોડનું હતું। એ પછી બલ્ક પાઇપલાઇન યોજના બની કે જેમાં સૌરાષ્ટ્રના 5,587 ગામડા અને 116 જેટલા શહેરોને જોડવાની વાત હતી। તમે પૂરા દેશમાં પણ જુઓ કે નદીઓ જોડવાનો જે પ્રોજેક્ટ 55,000 કરોડ રૂપિયાનો બનેલો હતો, પણ ઊંધી રકાબી જેવું જે આપણું સૌરાષ્ટ્ર છે એમાં શહેરોની પાણીની સમસ્યા અને ગામડાની પાણીની સમસ્યા અલગ છે। પણ રાજકીય ચશ્માથી જોવા જઈએ તો ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને આ પ્રશ્ન ઉપર, હેમંતભાઈએ કહ્યું એ વાત સાચી છે કે આ લાંબી ડિબેટનો વિષય છે, આમાં કોઈના ઉપર શ્રેય કે કોઈના ઉપર જવાબદારી ના નાખી શકાય, પરંતુ એક ચોક્કસ હલ તો કાઢવો જ પડે, કેમ કે દર વખતે પૂર આવે, લોકોના ખેતરો તબાહ થઈ જાય અને બીજી બાજુ જીવન જરૂરી જે જળ છે એને આપણે બચાવી શકતા નથી। આના કરતા તો રાજાશાહીમાં તમે જુઓ કે મોરબીમાં પાનેલી તળાવ 125 વર્ષ પહેલા રાજાએ બનાવેલું અને ત્યાંથી 11 કિલોમીટરની પાઇપલાઇન નાખીને લોકોને ઘરે ઘરે પાણી આપેલું। ગ્રેવિટીના સિદ્ધાંત મુજબ જામનગરમાં ડેમ બન્યો અને ત્યાંથી પાણી મળ્યું। આજે તો આટલી બધી અદ્યતન ટેકનોલોજી છે, પણ પૂરતું પાણી અને શુદ્ધ પાણી, પાણીના શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ તો ઘણા બધા ગામોમાં નથી, એટલે ગામડાઓની પરિસ્થિતિ હજુ એવી ને એવી જ વિકટ છે।